यह कहा गया है कि तत्पदार्थ की उपासना आभासवादिनी और स्वयं पदार्थ की उपासना दृष्टिवादिनी है। आभासवादिनी तथा दृष्टिवादिनी पर प्रकाश डालने की पहली बात तो ये है, उपासना का प्रकरण दूसरा है और आभासवाद, दृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद इनका प्रथम प्रकरण दूसरा है। वैसे तो सुरेश्वराचार्य और विद्यारण्य स्वामी को आभासवादी कहते हैं और विवरणकार को प्रतिबिंबवादी कहते हैं और वेदांत सिद्धांत मुक्तावली वाले को दृष्टि सृष्टिवादी कहते हैं, भामतीकार वाचस्पति मिश्र को अवच्छेदवादी कहते हैं। मूल सूत्रों में आभास और प्रतिबिंब का तो स्पष्ट वर्णन आता है ब्रह्म सूत्रों में, अवच्छेद का वर्णन कहीं भी न मूल सूत्र में आता है और न तो भाष्य में। स्वयं भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने भी अपने मत को अवच्छेदवाद के नाम से कहीं भी नहीं कहा है, बल्कि परिमलकार ने समन्वय सूत्र के अंत में जो विवेचना की है, विस्तृत विवेचना है, उसमें आभास एवच अतएव उपमा सूर्य का दिवस, उसके द्वारा सूत्र भाष्य सम्मत उन्होंने आभास प्रतिबिंब को ही बताया है, परंतु उपासना के साथ इसका कोई संबंध नहीं। उपासना उपासना जीव की ओर से भगवान के प्रति भावना की जाती है और वस्तुतंत्र भवेत बोधन कर्तृतंत्रम उपासनम, जैसी वस्तु है उसके अनुरूप बोध होता है और कर्ता अपनी भावना के अनुसार जो करता है उसको उपासना कहते हैं। देखो, परमात्मा यदि बाप होगा तो भिखारी होगा, बिना विकार के बाप कहां से बनेगा, और यदि बेटा होगा तो नाशवान होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगी। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो न बाप न बेटा है, न तस्य कश्चित जनिता से, वो उसके बेटे पने का निषेध हो गया, और न तस्य कार्यं करणं च विद्यते से उसके बाप का निषेध हो गया। तो भक्त लोग अपने भाव के अनुसार भगवान को पिता मानते हैं, त्वं नः पितैव सूनुते अग्नेषु उपारणो भवः। तो उपासना का जो प्रकरण है वो भाव का प्रकरण है, उसका आभासवाद और अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद से कोई संबंध नहीं है, वो विचार की कक्षा अलग है। विचार नई नई युक्तियों का स्फुरण होता है, प्रतिभा होती है विचार में, और उपासना में एक वृत्ति की आवृत्ति होती है। तो उपासना के मूल में होती है श्रद्धा और उसका स्वरूप होता है आवृत्ति, दोहराना, आवृत्ति माने दोहराना, और उसका फल होता है वृत्ति की साध्याकारता। जिस वृत्ति को दोहरावेंगे वही 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 आकार बन जाए। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, श्याम ही श्याम, जित देखो तित श्याममयी है, ये उपासना का फल है। इसी में जहां तक विधि की प्रधानता रहती है वहां तक उपासना कहते हैं, और जब स्वाभाविक प्रीति की प्रधानता हो जाती है तब इसको भक्ति कहते हैं। तो भक्त लोग जो है वो साध्य भाव को भी सिद्ध ही मानते हैं, स्वतः सिद्धत्व भाव से प्राकृत्यम हृदय साध्यता, ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी महाराज
कहा है। तो उपासना का हेतु है श्रद्धा और स्वरूप है सदाचार वृत्ति की आवृत्ति और फल है साध्य से एक साध्याकारता। और ये जो विचार है आभास प्रतिबिंब और छेद आदि का, इसका हेतु है प्रमा प्रमेय के स्वरूप का विचार, प्रमाण मूलक प्रवृत्ति। तो प्रत्यक्ष अनुवादी अनुमान आदि प्रमाणों की वहां प्रवृत्ति नहीं है, शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति है, इसलिए वाक्यार्थ विचार ही उसका हेतु है। और आवरण भंग करने वाला जो स्वरूपानुरूप ऐसे कहो वासनोल्लेख शून्य, कर्तृत्वोल्लेख शून्य, प्रतीतिमात्र शुद्ध सात्विक अंतकरण में जो अपने ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उसका नाम आभास है। और घटाकाश आदि के दृष्टिकोण से उसको अवच्छेद कहते हैं। और आभास प्रतिबिंब जो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव वायुर्जैको भुवनम प्रविष्ट दिवसवानेको बहुधानुगच्छ अपो बहुधानुगच्छन्, और इन श्रुतियों से और मायावासिन जीवे सब करोति, इन सब श्रुतियों के अनुसार उसको आभास कहते हैं। हाँ, तो उपासना को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और उसमें सालक ग्राम की शिला दिख रही है, शिला पाषाण, परंतु उसमें ब्रह्म बुद्धि करो, सालक ग्राम से लाया कृष्ण बुद्धि। बाप की पकड़ो उंगली और बोलो कि हम बाप को पकड़े हुए हैं। जब बच्चा उंगली पकड़ के चलता है तो यही कहता है पिता को पकड़ के चले। विराट के एक अवयव में समग्र विराट बुद्धि या हिरण्य गर्भ बुद्धि या ईश्वर बुद्धि करने का नाम या आत्मबुद्धि। सर्वं कल्यदं ब्रह्म तज्जलानिति तज्जम तल्लम सदन, इसको उपासना कहते हैं। उपासना माने प्रतीयमान अन्य में जो गुरु शास्त्र संप्रदाय के अनुसार ईश्वर बुद्धि की जाती है उसका नाम उपासना होता है। गुरु एक मनुष्य के रूप में देखा दिखता है उसको साक्षात भगवान मानते हैं। पति एक मनुष्य के रूप में दिखता है उसको साक्षात भगवान मानते हैं। और जयपुर की गढ़ी हुई चतुर्भुज मूर्ति को साक्षात भगवान मानते हैं। काशी में महाराज ओ काले काले पत्थर और एक ओर पैर, पत्थर पर पैर और दूसरी ओर ताकि हथौड़ी से मारते जा रहे हैं और उसको हम बोलते हैं साक्षात शंकर। प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा कहो, भाव के द्वारा कहो, साक्षात शंकर मान। तो प्रतीयमान प्रपंच के एक अवयव में अथवा समग्र अवयव में, समग्र प्रपंच में जो ब्रह्म बुद्धि है वो धीरे धीरे प्रपंच बुद्धि का ह्रास कर देती है, ब्रह्म बुद्धि की प्रधानता हो जाती है, इसको कहते हैं उपासना। और नारायण वस्तु का जो विश्लेषण है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, आनंद में भी प्रिय मोद प्रमोद बीजात्मक आनंद अंकुरात्मक आनंद जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रिवृत करण, ये सब प्रक्रिया विचार की होती है। और वैराग्यवान के लिए विचार की प्रक्रिया है। और जो बीच में है ये तो श्रीमद् भागवत में बहुत स्पष्ट है, निर्भयानाम ज्ञान जोगो न्यासिनाम ये कर्मसु तेष्व निर्भय चित्तानाम कर्म जोगस्तु कामिना, तेष्व निर्भय चित्तानाम कर्म जोगस्तु कामिना, न निर्भयो नाति सत्तो भक्ति जोगो से सिद्धिता। जब भोग मोक्ष दोनों की इच्छा हो तो उपासना की शक्ति जो है उससे सिद्धि आती है, भोग भी मिलता है। और नारायण उसमें चूंकि भगवान रहते हैं
इसलिए मोक्ष प्राप्त योग्यता भी उसमें रहती है। तो उपासना भोग मोक्ष दोनों चाहने वालों के लिए होती है, और तत्व विचार जो है वो भोग न चाहने वाले केवल मोक्ष चाहने वालों के लिए तत्व विचार होता है। इसलिए उपासना और तत्व ज्ञान को अलग अलग पहले समझ लेना चाहिए। एक का हेतु है श्रद्धा, एक का हेतु है प्रमाण। एक का स्वरूप है तदाकार वृत्ति की आवृत्ति, और एक का स्वरूप है नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा। हाँ, एक का फल है सारा और एक का फल है सिद्ध वस्तु पर से आवरण का भंग, अविद्यावरण की निवृत्ति, और वो सिद्ध वस्तु अपना आप ही है। इसलिए सत्संग के द्वारा यदि प्रपंच से वैराग्य होए, नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच से वैराग्य होए, तो वेदांत का विचार करना चाहिए, और नहीं तो उपासनाओं के तो अनेक उनके ढंग हैं। नारायण, कैसी भी उपासना करो, देखो सालग्राम शिला है, अप्राणो यमना शुभ्रा, सांस चलती नहीं है सालग्राम पे तो अप्राणा है, अप्राणा है, संकल्प उसमें है नहीं तो अमना है, हैं? और वो कोई माया छल कपट करता नहीं है तो शुभ्र है। अब ब्रह्म कहता है कि सालग्राम जैसा है, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम अद्वैतम, ब्रह्म कैसा का सालग्राम लेगा, और सालग्राम तत्व का सालग्राम की उपासना करो, जब वृत्ति सालग्राम हो जाए बोले अरे ये शिल्पिल्ला है, नारायण न चलता है न फिरता है न बोलता है न सोचता है, इसको मैं ब्रह्म कैसे मानता हूँ। हाँ हाँ ब्रह्म ऐसा ही होगा बोला, तो ब्रह्म के साक्षात्कार में हेतु हो जाएगा। इसलिए बुद्धि अपनी पूरी लगानी पड़ती है, चाहे उपासना करो और चाहे ब्रह्म विचार करो, और ये अर्धम उर्ध्वम जो है आधी बुद्धि तो स्त्री पुरुष के सहवास का चिंतन कर रही है, कहाँ जी बैठे हैं, नोट की गद्दी गिन रहे हैं, पत्नी सामने है वो मदद कर रही है, बच्चे आके कंधे पर बैठ गया, नाक में उंगली डालने लगा, बोले हे ईश्वर तुम भी आओ हमको दर्शन दो, तो नारायण इस तरह से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, उसमें पूरा मन पूरी बुद्धि लगानी पड़ती है। मनोरंजन की बात है हमारी, हाँ महाराज, हमसे एक ने पूछा कि कितना रुपया खर्च करें तो ईश्वर हमको मिलेगा। बम्बई का शेष यहाँ आया करता था, उसकी सेवा है यहाँ नारायण, उसने पूछा कितना रुपया खर्च करें तो ईश्वर मिल जाएगा। इन लोगों की हिमाकत दुस्साहस तो देखो कि ईश्वर को भी रुपए से खरीदना चाहते हैं। और एक स्वामी सर्वानंद जी गए बम्बई में, तो एक ने कहा महाराज हमको ईश्वर का दर्शन करा दो, तो स्वामी सर्वानंद जी ने कहा कि देखो भाई जिंदगी भर में हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या करके विचार करके उपासना करके एक वस्तु प्राप्त की है ईश्वर, और तुमने जिंदगी भर में प्रयत्न करके और इतनी साधना करके धन प्राप्त किया, तो यदि तुम हमारा ईश्वर चाहते हो तो आओ बदल लो, तुम अपना धन हमको दे दो, अपना धन हमको दे दो, हम अपना ईश्वर तुमको देते हैं। अब अरे ना महाराज वो तो सब हमारे पास रहे, ईश्वर भी चाहिएगा। अच्छा चलो तो एक सत्संगी बहन का प्रश्न है, महाराज श्री योगी के दो रूपों का वर्णन मिलता है, एक परम योगी और दूसरा अपर योगी, कृपया दोनों का स्वरूप समझाने का अनुग्रह करें। देखो आसन बांधने पर, सिद्धासन पद्मासन आदि से बैठने पर, पीठ की रीढ़ सीधी करने पर,
भूमध्य में दृष्टि जमाने पर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने पर जो चित्त वृत्ति का तात्कालिक निरोध होता है उसको अपर योग कहते हैं। और जो चलते फिरते उठते बैठते हंसते खेलते सर्वत्र समत्व जिसमें बना रहता है आत्मोपमी न सर्वत्र समम पश्यति जोर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने इसकी टीका में बोले सर्वत्र समत्व है यदि व्यवहार में समाधि में सुषुप्ति में जागृत में और सर्वत्र समत्व की प्राप्ति हो गई तो परम योगी है और यदि अवस्था विशेष में ही समाधि या निरोध या सदाचार वृत्ति रहती है तो अपर माने दो नंबर का योगी है। परम योगी वही है जो हर हर काल में हर देश में हर रूप में अपने स्वरूप में ही स्थित है उसका नाम परम योगी होता है। आत्मोपमीन सर्वत्र समम पश्यति योगिना सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परम होता। ये बहन जी ने शायद कहीं टीका पढ़ी होगी उसमें पढ़ के ये प्रश्न किया होगा। श्री राजेश्वर जिज्ञासा है कि हम गोपियों की प्रेमा भक्ति के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं कृपा कर। आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है उसकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी कि आप खाने पीने की बात नहीं सुनना चाहते हैं गोपियों के प्रेम की बात सुनना चाहते हैं तो पहले तो हम दे देते हैं धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि साधारण जो प्रेम होता है माता का पुत्र के प्रति या पत्नी का पति के प्रति या भाई मित्र का मित्र के प्रति उस प्रेम से आपका परिचय पहले होना चाहिए कि प्रेम ऐसा होता है। और यदि आप सामान्य लौकिक प्रेम के बारे में ही पूरी तरह से कोई बात नहीं जानते हैं तो गोपियों के दिव्य अलौकिक प्रेम के बारे में आप कैसे समझ सकते हैं। लोग प्रपंच का विस्मरण जो है ये प्रेम की पहली शर्त है। ग्वालिनी प्रगति पूर्ण ने दधि भाजन सिर पे लिए हो कहती गोपाल ही ले हो। प्रपंच का विस्मरण और श्री कृष्णा शक्ति गोपी के प्रेम की मुख्य दो विशेषताएं प्राय सभी आचार्यों ने घुमा फिरा करके ये बात मानी है कि ये जो हमारे सामने सृष्टि का विस्तार है ये पची विस्तारे धातु से प्रपंच शब्द बनता है पंच संख्या वाचक नहीं है पची विस्तारे पंचास्य सिंह को बोलते हैं पंचास्य पांच मुख तो पांच मुख थोड़ी होता है वहां पंच शब्द का पंच नहीं है विस्तृत है बड़ा बड़ा भारी इसलिए उसको पंचास्य बोलते हैं। तो प्रपंच शब्द में जो पंच शब्द है वो पांच इंद्रियों या पांच विषयों के विस्तार का अर्थ तो हो सकता है परंतु प्रखण ही उसका विस्तार ही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो प्रपंचाशक्ति का परित्याग तुम्हारी आसक्ति ही बिखर गई थोड़ी धन में है थोड़ी जन में है थोड़ी भवन में है थोड़ी गमन में है तो ये जो आसक्ति बिखर गई है इसके लिए प्रेम में प्रपंच का विस्मरण होना ये आवश्यक है। इसी से गोपियों ने जो श्री कृष्ण के अधरामृत का वर्णन किया है उसमें इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम इतर राग की विस्मृति ये भक्ति का बेटा हुआ कौन का वैराग्य वो जो है ना भक्ति के ज्ञान वैराग्य दो बेटे हैं
उनमें से एक बेटा का ये वर्णन है, इतर राग विस्मारणम, भक्ति का एक बेटा है वैराग्य, और दूसरा क्या है, भजनीय जो भगवान हैं उनके स्वरूप का ज्ञान होकर उनमें आसक्ति। तो ग्वालिनी प्रगट और पूरन ने दधि भाजन सिर पर लिए हो, कहत गोपाल ही ने हो ले। दूसरी बात है, प्रेम बोल के प्रकट नहीं किया जाता। ये रेस्टोरां या बस स्टैंड या पार्क का विषय नहीं है। प्रेमा द्वयोरसिकयोरपि दीपैव हृद्वेश्म भासयति निश्चलैश भाति द्वारागमनकस्तु विनिर्गतश्चेत् नरियाति शान्तिमथवा अनुताप। ये दोनों रसिकों के, प्रेमी और प्रियतम के हृदय का दीपक है, हृदय मंदिर को प्रकाशित करता है और निश्चल प्रज्वलित रहता है। परंतु मुंह के दरवाजे से अगर ये कहीं बाहर गया तो हवा लगेगी बाहर की, लड़खड़ा जाएगा, लोगों की नजर लगेगी, या तो नष्ट हो जाएगा या सूक्ष्म या कम हो जाएगा। इसलिए प्रेम जाहिर करने की चीज नहीं है, हृदय में जितना रहेगा उतना ही पकेगा। प्रेम पर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अद्वैतम सुख दुखयो अनुगुणम सर्वास्वस्था सुजस विश्रामो हृदय से यत्र जरता यस्मिन् नहार्यो कालेनावरणाश्चयात् परिणते यत् स्नेहसारेक्षितम् भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते। हृदय का परम विश्राम है, चाहे अपना प्रियतम सुख दे चाहे दुख दे, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो। वियोग को ब्रजवासियों ने सूर्य रूप माना है, तापक और प्रकाशक दोनों। जब अपने प्रियतम का वियोग होता है तब उसकी महिमा का प्राकट्य होता है, कितना महान है वो, उसके सौंदर्य, उसके माधुर्य, उसके लावण्य का बोध होता है। और तापक भी है, हृदय को गलाता है, जैसे सूर्य के दो गुण हैं, तापक, ताप और प्रकाश, ऐसे तापकत्व और प्रकाशकत्व दोनों विरह में है। तीसरी बात है कि प्रेम में प्रेमी बने का तीसरी चौथी जो गिनती तो हमको भूल जाते, भगवान ने हमको गिनती सिखाई ही नहीं। बचपन से तो तीन हो चार हो कोई भी नंबर हो, नंबर दे लो। न छोड़िया नी सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदंती माम निज सुभगता स्यापनाय प्रतीहि। आई सखी, श्री कृष्ण के प्रति तो मेरे हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम का लेश भी नहीं है, गंध भी नहीं है। जैसे समाधि में हम समाधिमान सत स्थिति है, समाधि जो है वो सत स्वरूप में स्थिति है, इसलिए हम समाधिमान या अभिमान उसमें नहीं रहता। जैसे दृष्टा दृश्य का विवेक हो जाने पर दृढ़ मात्र स्वरूप में अहम ज्ञाता अहम दृष्टा ये अभिमान नहीं होता है, ऐसे ही आनंद में स्थिति हो जाने पर अहम भोक्ता इदम भोग्यम इस प्रकार का अभिमान नहीं होता है। तो मैं प्रेमी हूं ये अभिमान प्रेम में नहीं होता। न क्षोदीया नी सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदंती माम निज सुभगता ख्यापनाय प्रति सतभूति क्यों हो सकी।
तो बोले कि अपना सपने सौभाग्य का ख्यापन करने के लिए कि लोग कहें कि ये भी प्रेमिका है, ये भी प्रेमिका है, ये भी प्रेमिका है, ये तो मेरा विज्ञापन है, प्रेम नहीं है। कैसे पता चले? खेलवंशी बलई नमनानु तम वस्त्र बिंबम भक्तालंबा यदह प्राण कीटान विभर्मी। जिनके अधरों पर बांसुरी खेलती रहती है उनको उर्जा दर्शन किए बिना उनके मुखारविंद का मुकुंद मुखे कुंडवद आसो जस्य, जिनकी दंत कली हमेशा खिली रहती है, मुस्कुराते रहते हैं, उस मुस्कान वाले मुखारविंद को देखे बिना मैं अपने प्राण कीड़ों का भरण पोषण कर रही हूँ, जी रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। जिसमें रस्मत शब्द का प्रयोग प्रेम में नहीं होता है, ये तुम ये मैं, सखी न रमणो न हम रमणी तिभिदा भयोरास्त, प्रेम रसे नो भय मन ममदनो निष्पिपेश बलास्त। मिलन की तीव्र आकांक्षा ने इधर मैं को चूर चूर कर दिया और उधर तुमको अलग नहीं रहने दिया। वे प्यारे हैं, मैं प्यारी हूँ, ऐसा भेद हम दोनों में नहीं है। सखी न रमणो नाम रमणी थी विदा भयोरस, अहम कांता कांत समिति न तदानी मतलब। तुम प्यारे हो, मैं प्यारी हूँ, इस बुद्धि का लो लो भाई, गोपियों के प्रेम का स्वरूप जो है वो बहुत विलक्षण है। आसृष्टे रक्षयिष्णु हृदय मणि द्रावणम वक्त्रिमाणम, आसृष्टे रक्षयिष्णु हृदय विधु मणि द्रावणम वक्त्रिमाणम पूर्णत्वे द्विद्वहंतम निज रुचि घटया साध्वसं ध्वंसयन्तम्। तन्वानम संप्रदोषे, ऐसा प्रेम का जो स्वरूप है अद्वैतम, प्रेम में द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है, सुख दुख नहीं है, भोक्ता भोग्य का भाव नहीं है, मैं तुम नहीं है। तत्व ज्ञान में विचार से भेद की निवृत्ति होती है और प्रेम में आनंदोद्रेक से भेदभाव की निवृत्ति होती है। यहाँ भेदभाव की निवृत्ति भाव है आनंदोद्रेक में और वहाँ शुद्ध तत्व है, यही दोनों में भेद होता है। और गोपियों का प्रेम तो गोभी इंद्रिय पिबंती श्री कृष्ण रसम इति गोपा तेषां पत्नियां गोप्या ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम अच्छा।